गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। बाहर कहाँ जाना है? मेरे जो हस्बैंड है उनके फूफा जी के पिताजी की डेथ हो गई है, रात फोन आया था, तो वहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो अब सुबह सुबह जाना जरूरी था। मैंने कहा चलो भाई, मौत में तो जाना पड़ता ही है, एक बार को हम हंसी खुशी में ना जाएं, शादी में ना जाएं तो चलता है, लेकिन मौत में जाना पड़ता है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। और मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं और इनकी भाभी हैं, इनका भाई है छोटे वाले देवर हमारे। तो हम लोग सब निकल रहे हैं और यहाँ हम लोग तैयार हो चुके हैं, बस जाने के लिए रेडी हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे। तो मैं जा रही हूँ वहाँ, वैसे में भी जाना ज़रूरी है, बीमारी का टाइम तो है, बट क्या करें, जीवन और मृत्यु दो ही सच्चाई है। तो हम एक बार सुख में ना जाएंगे तो चलेगा, लेकिन दुख में जाना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ उनके यहाँ। और यहाँ रह रहे हैं हमारी बेटी और हमारे बच्चे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं बाद में। चलता चला, हम भी कहीं घूमने जा रहे हैं, हमें काम तुम कौन जाते सही बात है। तो यहाँ पर हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, जा रहे हैं। ये हस्बैंड है, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, साइड में देवर बैठे हैं और पीछे मैं और दीदी बैठे थे। और कितनी भी जल्दी निकलो, लेकिन थोड़ा मतलब लेट हो ही जाता है। यहाँ पर हम थोड़ा लेट हो गए थे, सोचा था जल्दी निकलेंगे सुबह सुबह। उधर से वापस आते टाइम हम यहाँ रुक गए थे, यहाँ पे हमने बाग देखा और बहुत गर्मी हो रही थी, तो बाग के पास में बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैंने कहा थोड़ी देर घूम लेते हैं यहाँ पे। ये देखो, घुमाती हूँ मैं आपको बाग में। ये आम का बाग है, ये देखो यहाँ। बेचारे कह ना रहे कुछ, चुप लेट रहे, सोचोगे काट लेंगे और क्या, पूरे ले जाएंगे बाग। ये देखो, ये पूरा बाग आम के पेड़ है ना भैया, इसमें बस आम के पेड़ है, इसमें पूरा बाग आम का है। और ये देखो कितनी अच्छी लग रही है, पेड़ पे लगी हुई कच्ची कच्ची आम भी, हरी हरी। और तो चलिए फिर मिलते हैं बाद में, अब चल रहे हैं हम। ये देखिए यहाँ पर, ये बहुत बड़ा बाग था आम का, इसमें मतलब टोटल पेड़ आम के ही थे और बहुत प्यारी प्यारी आम लगे हुए थे, कच्चे कैरी बोलते हैं जिनको। तो रुका ही नहीं गया हमसे, मैंने कहा थोड़ी सी आम तो लेने ही है हमको, चटनी बनाए या सब्जी बनाए कुछ भी, बट लेंगे जरूर। और यहाँ पे मैं कैमरा हस्बैंड के हाथ में थमा के बाग में चल दी हूँ, क्योंकि मेरी आदत है पुरानी। तो मुझे मन कर रहा था मेरा कि मैं पेड़ पे से तोड़ के आम लूं, बट मैं चढ़ी नहीं, दीदियां यहाँ सामने से ये ले रही थी, उधर से भैया बहुत अच्छे थे यहाँ बाग वाले, वो खुद ही देखकर हस्बैंड ने एक बार आवाज लगाई, मेरे से कह रहे थे तोड़ना मत, मैं ऐसे ही दिलवा दूंगा। मैंने कहा ठीक है, तो भैया को आवाज लगाई, वो आ गए और उन्होंने खूब सारी आम ही मतलब हमको दी खुद से तोड़ के। तो मेरा मन था, मैंने कहा कुछ भी हो मुझे तोड़नी तो है, पेड़ पर नहीं चढ़ूंगी बट नीचे से जरूर तोड़ूंगी। तो ये मैंने दो चार आम ले रखे हैं तोड़ के लिए थे अपने दुपट्टे में, और दुपट्टे का पता ही नहीं था मुझे कि भी गंदा भी हो जाता है, इसमें दाग लग जाएंगे। तो वो बाद में मुझे बताया उन्होंने, दीदी ने, तो हम लोग धोने के लिए भी जाएंगे बाद में, आगे मतलब एक बिजली है वहां पर धो लेंगे। ये भैया आ रहे हैं उधर से आम वाले भैया, देखो इतनी सारी आम ही ले रखी थी इन्होंने कच्ची, तो ये इनको बड़ाना जी को दे दी है इन्होंने, और इन्होंने भी मेरे दुपट्टे में ही रख दी है, क्योंकि कुछ था ही नहीं रखने के लिए, पता नहीं था कि आम लेंगे हम यहाँ पे। और देखो कितनी प्यारी प्यारी लग रही है ना ये देखो, गांव की तरफ तो मतलब बहुत बाग मिलते हैं और अच्छे भी लगते हैं, यहाँ का व्यू कुछ अलग ही होता है ना देखने वाला। आम तो हम खाते हैं, पक्के आम तो खाते हैं, बट कच्चे आम लगे हुए पेड़ पे, और पेड़ पे से तोड़ो तो बस पूछो ही मत, कितना मजा आता है आम तोड़ने में। और भैया पूछ रहे थे कि बहुत है आम या फिर मैं और ला के दूं, मैंने कहा नहीं भैया बहुत है, बस अब नहीं चाहिए, यही काफी है। नहीं लगा रखा है, हेलो तो बोल दो। ठीक है, हेलो। ठीक है,
तो चलिए फिर आज मैं बनाऊंगी, आज नहीं बनाऊंगी कल बनाऊंगी मीठी खटाई, फिर दिखाती हूँ आपको रेसिपी, शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में कच्चे आम की मीठी खटाई। ठीक, ये देखिए यहाँ पे ट्यूबवेल है और दीदी कितनी तेज तेज भाग रही है अपना ओना धोने के लिए। और ये देखो यहाँ पे ये ईंट का पेड़ है और यहाँ बिजली पर रुके हैं हम। और ये देखो डांट पड़ रही है मुझे बार बार, पर मैं मानूंगी नहीं वीडियो बनाए बिना, क्योंकि मुझे अपनी व्यूअर्स को दिखाना है गांव का एरिया, गांव का माहौल। और ये देखो ट्यूबवेल कितना पानी है। ये देखिए यहाँ पर तोरी की पलेज लगी हुई है, पूरा खेत भरा हुआ है, तोरी की बेल चढ़ी हुई है, ये डंडे लगा लगा के उनके ऊपर बेल चढ़ा रखी है, क्योंकि जमीन में रहेंगी तो ये तोरी खराब हो जाती है। और यहाँ पे इन्होंने शॉप लगा रखी, दुकान लगा के बैठे थे ये अपनी, यहाँ पे बेच रहे फ्रूट हैं और खरबूजा और लीची आड़ू सारी चीज यहाँ पे रख रखी है। तो यहाँ हस्बैंड और देवर हैं, ये यहाँ खरीद रहे हैं और खा खा के चेक कर रहे हैं मीठा है या नहीं है। और शॉप वाले भैया बोल रहे थे कि आप लेकर देखो सर, बहुत मीठे हैं, मीठे की गारंटी है, अगर मीठे नहीं होंगे तो आप वापस दे देना, अभी खाकर देख लो यहीं पे चेक करके, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी जो है ना हमारा वो बहुत ज्यादा इसको प्रोटेक्ट करता है, इसको इसका बेस्ट फ्रेंड है, भाई समझता है अपना। और ये देखिए यहाँ पर सोफे पर लेटे हुए हैं तनिष्क भड़ाना और चला रहे हैं फोन, क्योंकि ये पढ़ रहे थे, पढ़ाई से छुट्टी मिली है इन्हें अभी अभी, और ये अपना लग गए हैं फोन पे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम है बेचारे के पास में, इसे पता है कि फिर छीन लिया जाएगा फोन, तो इसलिए अपना कैड़ा पड़ा लग रहा है फोन पे, दबा दब दबा दब अपना वीडियोज देख रहा है, गेम खेल रहा है। ये देखिए गाइस हमारे पुत्र जी लेटे हुए हैं और यहाँ पे ये फोन चला रहे हैं, और इनको टाइम मिला है अभी, ये पढ़ाई से इनको थोड़ा सा मतलब रेस्ट मिला है, इसके मामा आए थे, उन्होंने आज क्लास लगा दी इसकी बहुत अच्छी तरह से। और बताओ तनिष्क कैसा फील हो रहा है बेटा, कैसा फील हो रहा है? हाँ सुन इधर देख, अच्छा कैमरे में देख के बात कर, कैसा फील हो रहा है? बढ़िया फील हो रहा है। अच्छा हो रहा है ना, पढ़ाई इज इम्पोर्टेंट है ना, एंड यूजफुल है, आपके घर में मामा ने सुना दिया तो शर्माने की कौन सी बात है, मामा है ना, मामा में दो माँ होती है भाई, माँ माँ। अरे नहीं सुनाया, और ऊपर से सर भी है वो इसके, अरे समझा के गए हैं। हाँ तो समझा के तो गए हैं, लेकिन अच्छा फील हुआ ना, अच्छा फील हुआ ना, तो एक बार स्माइल करके बता कैसा फील हुआ। आज डफी ने बचा लिया, वरना आज इसकी और अच्छी से पिटाई हो जाती। अब मैं घर पे आ चुकी हूँ और अब मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मौत में से आई हूँ और सर में हो रहा है बहुत तेज दर्द, जानवी को बोला चाय बनाने के लिए, तो मैं नहा कर आती हूँ और चाय पीते हैं फिर। ठीक है, डफी को, ये डफी अपने डैडी के चप्पलों पे लेटा हुआ है, एक चप्पल पे लेटा हुआ, डफी 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 गुस्सा है, डफी हेलो, डफी नाराज हो रहा है, बहुत ज्यादा अपसेट है आज, ये उसको गुस्सा आ रहा है, आज मामा की क्लास लग गई इसके भाई को, तो ये नाराज होकर बैठा हुआ है। डबी हेलो बोलो, डबी 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 डबी, ये देखो कितना गुस्से में लग रहा है, कितना डेंजर लग रहा है ये, डबी हेलो हेलो डबी हेलो डबी हेलो डबी हेलो डबी हेलो डबी हेलो डबी, ये देखो ये कुछ नहीं बोलेगा, ये गुच्छे में है, गुच्छे में है, वरना मम्मी के साथ ही घूमता है हर वक्त, हेलो डबी हेलो, डबी को बात नहीं करनी है, सबसे नाराज हो रहा है डबी। ये है दाल चावल, उर्द की दाल है और चावल है, ये बनाए हैं हमारे हस्बैंड ने मिस्टर भड़ाना, तो बहुत टेस्टी चावल बने हैं, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, मैं तो खा रही हूँ। और खाना मैं खा चुकी हूँ, और ये खरबूजा रखा हुआ है कटा हुआ, जानवी ने काट के रखा था, बोल रही थी मम्मी आपका वेट कर रही थी मैं, लीजिए आप खा लीजिए, तो चलिए मैं खरबूजा खा लेती हूँ, आप लोग भी आ जाइए साथ ही खा लेते हैं बैठकर। और अब शाम हो गई है, काम मेरा सारा ख़त्म हो ही रखा है, खाना पीना हो गया है, और अब मैं दे रही हूँ अपनी फिशेज़ को फूड, ये वेट कर रही हैं बेचारी, भूखी हैं ये भी, तो इनको मैं खाना दे देती हूँ यहाँ पर, और उसके बाद में हम जाएंगे कहीं बाहर, बाहर कहाँ जाएंगे, आइसक्रीम लेने के लिए जाना है, जानवी बोल रही थी मम्मी आइसक्रीम ले आना, तो इसके डैडी ने बोला चलो साथ ही चलते हैं, मैंने कहा ठीक है, तो यहाँ मैं खाना दे रही हूँ और उसके बाद हम निकलते हैं आइसक्रीम लेने के लिए,
तो आप लोग मेरी वीडियो देखते रहिए, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट। एंड गाइज, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, और बस ऐसे ही अपना लाइफ इंजॉय करते रहिए, खुशहाल रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं कल एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप लोग से लेती हूँ मैं विदा, और मिलेंगे कल। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।